उसका रेडी अगर ध्यान दे सकते हो फ्राई आई अब इसको जो मैं क्या करूँ, मेरे पास फ्रिज नहीं है, मैंने बता दिया, तो इसको मैं कम से कम दो घंटे में इसको छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं फ्राई करके रख दूंगा। और फ्रेंड्स आप लोग ब्लॉग में बने रहिए तभी मजा आएगा। और हाँ देखिए फ्राई होने के बाद चिकन का लुक कैसा लगता है। तो ये मेरा बेसन हो गया, इसमें बेसन है, ठीक है, बेसन में डाला था मसाला अपना, ठीक है, बेटा देख रहा है तुम्हारा, वो भी सीख रहा है। मसाला डाल दिया मैं इसमें, और इसमें मुझे डालना है क्या, नमक। नमक फ्रेंड्स अपना टेस्ट के हिसाब से, पीस को जो है मैंने स्मॉल स्मॉल काटा था और मैंने पीस काटा। सभी को गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कुछ खास और कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि आज का ब्लॉग जो है ना कुछ अलग होने वाला है, आपको पता नहीं है अलग क्या होने वाला है। देखो ठीक है, अलग क्या आपको पता नहीं है, अलग ये होने वाला है कि आप जानो के मुंह से ही सुन लो, क्योंकि हमारे पति देव जी बनाने वाले हैं आज चिकन फ्राई एकदम टेस्टी। तो और देखिए, ओ माय गॉड, तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे हैं इतने सारे चिकन, आप लोग, हाँ मैं बता देती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा चिकन फ्राई क्यों बन रहा है हमारे घर में। तो इसका रीजन ये है कि हमारे पास आया है ऑर्डर चिकन फ्राई बनाने का। तो अब आप लोग सोच रहे क्या कोई बिजनेस करते हैं, तो नहीं बिजनेस नहीं, हुआ ये था कि जानू ने एक दिन बनाया था चिकन फ्राई, बहुत मस्त था, जो कि इनके फ्रेंड खा के बहुत ही, उन्हें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने इतना सारा, कितना है, 1 kg है ना, 1 kg है, 1 kg 1 kg चिकन है। तो उन्होंने बोला इन सारी, उन्होंने सारा सामान ला के दिया है कि आज हमें इन सारे का चिकन फ्राई बनाना है। और हाँ उन लोगों की पार्टी होगी, कुछ क्यों है, पार्टी होगी तभी तो। हाँ तो उन्होंने क्योंकि आज उसमें से भाई का बर्थडे है, उसने और उन्होंने मेरे बर्थडे पे, हम बस 4-5 लोग हैं, तो भाई बर्थडे पे कुछ स्पेशल होना चाहिए। मैं कहा ठीक है, तो मैं क्या बात, बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए, भाई गिफ्ट तो नहीं चाहिए, बस तू ना बस मेरे चिकन जिस दिन फ्राई उस दिन बना खिला, वो खिला दियो, ओए हट हट। तो फ्रेंड अपने फ्रेंड के बर्थडे पे जानू बना रहा है चिकन फ्राई। तो देख लीजिए अभी इतना सारा चिकन है और जानू यहाँ पे सारी मटेरियल रेडी है, जानू अपना जो भी मटेरियल है वो रेडी करे, तो जानू दिखाओ। देखिए मैं बड़ा बनाता हूँ सिंपल तरीके से, लेकिन उसमें लगता है कि मतलब लगता है कि हाँ बंदे ने क्या चीज बनाया, ठीक है। फ्रेंड जब मैं डाला गरम मसाला और धनिया और हल्का जो भी मतलब क्या बोलते हैं लाल मिर्च, हल्का डाल ज्यादा नहीं, हल्का लाल मिर्च है। कहने का मतलब जानू ने इसमें डाला है हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और चिकन मसाला पाउडर, चिकन मसाला सारा पाउडर है नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड फ्रेंड बता दूं हमारे पास है पूरे 1 kg चिकन। हाँ, इसको मैंने बारीक बारीक छोटा छोटा पीस कर लिया है। फ्रेंड देखिए आप में से बहुत से लोग खाते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी खाते होंगे, वो चमचा खून निकल रहा है क्या, मेरी जो जोया है ना चाकू को अपने मुंह में डाल के काट रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और आपको हम दिखाएंगे इस चिकन बनाने में कितना टाइम लगता है और कितना, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मैं इसमें सारा मटेरियल जो है जो कुछ भी है इसमें मसाला क्या कर दूंगा, मिक्स कर रख दूंगा, ये बनाऊंगा बाद में। तो अभी पड़ेगा दो फ्राई। हाँ अभी टाइमिंग हो रहा है, जरा फोन उठा टाइमिंग दिखा दे फ्रेंड को, कितनी देर में। अरे जानू 1 बज गया है। अच्छा तो अभी बज गए हैं 1, और जानू देखिए इसको कितनी देर के लिए इस मसाले में मिक्स करके रखते हैं और कितनी देर बाद इसको फ्राई करते हैं। और आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो जानू अभी क्या, अभी मैं इसको जो बेसन है इसको मैं घोल करके इसमें मसाला मिला करके इसको मैं रख दूंगा मेल्ट होने के लिए, मतलब कि 2-3-4 घंटे तक, क्योंकि घर में फ्रिज नहीं है। हाँ मतलब कि जानू कर ये रहे हैं जो बेसन मसाला और चिकन सब एक साथ ही मिक्स करके रखेंगे और इसको सिर्फ फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए और देखते रहिए मैं कैसे बनाता हूँ, मिलते हैं अब इसमें। चलो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाई देता हूँ जो भी है मटेरियल इसमें डाल करके। पहले तो मैं इसमें जो है ये मेरा बेसन हो गया, इसमें बेसन है, ठीक है, बेसन में डाला था मसाला अपना, ठीक है, बेटा देख रहा है तुम्हारा, वो भी सीख रहा है। मसाला डाल दिया मैं इसमें, और इसमें मुझे डालना है क्या, नमक। नमक फ्रेंड्स अपना टेस्ट के हिसाब से, 1 kg चिकन है तो मुझे इतना जरूर इतना नमक, ठीक है ना। देखो जानू बहुत ही ज्यादा भी मत डालो, थोड़ा ही डालो, बाद में डालो खाओगी क्या, नहीं नहीं ज्यादा मत डालो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको जो मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको मैं मेल्ट कर लेता हूँ सही तरीके से, मतलब अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं मिलाऊंगा हल्का सा क्या, तेल, तेल का, ये तो नया ट्रिक है। सबसे नीचे रखा होगा जो ढक के वाला डाल दो जो पका हुआ तेल, हाँ नहीं सबसे नीचे रखा होगा, हाँ वहाँ पे ढक के रखा होगा प्लेट से, अंदाजा फूट गया।
तो इसे मैं डालूंगा तेल ताकि ये इसमें सही से मेल्ट हो सके। हाँ मतलब आप लोग कोई भी ऑयल मतलब कोई मतलब नहीं मतलब कि आप सरसों का भी मिला सकते हैं जो मन हो आप लोग। हमारे पास पानी से मैंने वो डाली दिया, पानी में डालूंगा फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। हमारे पास रिफाइंड है इसलिए हम रिफाइंड यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स बस इसको आप कुछ नहीं करना है, ये साग में इसे मिला करके मिक्स कर देता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों से मिलते जब जानू मिक्स कर लेंगे। देख लीजिए उसमें डाल रहे हैं इसको मिक्स करके आपको मेरे फ्रेंड देखिए पीस को जो है मैंने स्मॉल स्मॉल काटा था और मैंने पीस काटा था कि ये सही से मतलब इसे मिक्स हो सके। ठीक है तो फ्रेंड मिलते हैं, बड़ा कढ़ाई नहीं था इसीलिए। हाँ तो आप लोगों से मिलते हैं जानू, पहले उसको मिक्स कर ले फिर। फ्रेंड्स देखिए जानू का पूरा हो गया है मिक्स, दिखा दो जानू। तो फ्रेंड देख सकते हो इसे मैंने पूरा इसको जो मेल्ट अभी मतलब इसमें सारा सही से मिक्स कर दिया है। अब इसको जो मैं क्या करूँगा, मेरे पास फ्रिज नहीं होना पहले बता दिया, तो इसको मैं कम से कम दो घंटे मैं इसको छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं फ्राई करके रख दूंगा, फिर उसके जब खाने का दिल होगा, खाने का दिल मेरा नहीं, जब मैं फ्रेंड को खाने का दिल होगा, जब वो बोलेगा कि भाई मैं आ रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको तल करके बढ़िया से टिफिन में रख करके फिर ले जाऊंगा। लो भाई तुम खाओ। तो फ्रेंड ब्लॉग भी बने रहिए, देखिए फ्रेंड कोई भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मैं जो बना रहा हूँ मैं गलत तरीके से बना रहा हूँ, सही तरीके से बना रहा हूँ, कमेंट करके बताइए। बाकी फ्रेंड जैसा मुझसे हुआ मैंने भाई ऐसा बनाया जैसे मैं बनाया था, उसमें मैं ऐसा ही बना रहा हूँ। हाँ और फ्रेंड्स आप लोग ब्लॉग में बने रहिए तभी मजा आएगा। और हाँ देखिएगा फ्राई होने के बाद चिकन का लुक कैसा लगता है, तो ब्लॉग में बने मिलते हैं जब फ्राई होगा तब। फाइनली आ चुके हैं किचन में और देख लीजिए हमारे पति देव जी क्या कर रहे हो बताओ। तो फ्रेंड देखिए दो घंटे बाद जो है हमारे बेसन का क्या हाल हो चुका है, इसमें पूरा मेल्ट हो चुका है। हमारा फ्रिज था, हमारा फ्रिज है नहीं क्योंकि मुझे ऐसे बनाना है। फ्रेंड दो घंटे बाद आपको मैं दिखा दूँ, कुछ ऐसा लुक है, कुछ ऐसा लुक है, यहाँ पे धूप पड़ रहा है ना इसलिए आपको दिख रहा होगा। और हाँ जरूर आप कढ़ाई में तेल कितना डालो जरा दिखा दो। तो फ्रेंड मैं अपना ऑयल दिखा दूँ, मैं कढ़ाई में कितना तेल डाला हूँ जरा देख लीजिए। ज्यादा तेल नहीं है, थोड़ा तेल है अभी, तेल इसमें और मतलब डालना पड़ेगा अभी, तेल इसमें और डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड दोस्ती के लिए इतना तेल क्या है, इससे ज्यादा तेल वेस्ट कर सकते क्यों जानू। तो फ्रेंड आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए दोस्त के लिए, सही बात दोस्त के लिए क्या, दोस्त के लिए भाई मैं जान दे सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। बाप रे तो ऐसा करते हैं भाई मुंह में तारा पानी, ठीक है तब याद आएगी नानी। एक पीस ट्राई करते हैं उसमें डालते हैं, देखते हैं तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। वाह दिख रहे हैं फ्रेंड्स आप लोगों को। तो फ्रेंड देखिए इसका फायदा ये है इसमें कि इसमें तेल इतना होना चाहिए कि ताकि ये आराम से ना पकना चाहिए। हाँ। तो फ्रेंड्स अभी बस फ्रेंड मैं आपको दिखाऊं एक जो मैं इसमें डाला हूँ, देख कैसे पकड़ा है। ये देखिए फ्रेंड्स एक फ्राई हो रहा है अभी, बस आप लोग फ्रेंड ब्लॉग बने रहिए, पूरा जब मैं स्टार्ट करूंगा पूरा सही से फ्राई करना आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ब्लॉग बने रहिए और इसे ब्लॉग का एंजॉयमेंट करते रहिए, मजा लेते रहिए, खाते रहिए। फाइनली चिकन फ्राई हो चुका है। और पहले बता दूं जो मैंने ये घोल घोला था इसके अंदर, इसमें ना सॉल्ट ज्यादा था, नमक में ज्यादा डाल दिया था, इसलिए मैंने कर नहीं पाया। और अगर आप लोग खाना है तो फ्रेंड देखिए फ्राइडी जो मैंने अभी इसको वन फ्राई कर दिया, इसको डबल फ्राई करना पड़ेगा। ये फाइनली बन चुका है चिकन फ्राई, फाइनली जो बन के हो चुका है रेडी, आप ध्यान दे सकते हो फ्राई। आइए आप लोग अभी इसको मैं यहाँ पे दोबारा फिर से फ्राई करने वाला हूँ क्योंकि फ्रेंड देखिए दिस इज रॉन्ग है प्रिया का मुंह चचा रहा है फ्रेंड, देखिए मैं धोखा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा नहीं मेरे फ्रेंड लोगों का है और खाएंगे हम सब मिलकर खाएंगे। प्रिया के लिए भी एक दो पीस गुटका छोड़ दूंगा, हड्डी उड्डी बच जाएगा छोड़ दूंगा। तो फ्रेंड्स आप अभी देख लीजिए गैस को भी बंद कर, सब कुछ बंद कर दिया है, जब दोबारा फ्राई करेंगे फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो ब्लॉग बने रहिए और जिसे जिसे खाना है जल्दी से आ जाओ। तो मिलते हैं फ्रेंड जब सेकंड फ्राई होगा चिकन तब। तो फ्रेंड फाइनली हो चुका है शाम का टाइम, अभी टाइम नहीं हुआ कि जितने बजे उन लोगों को चाहिए चिकन उकेन जो भी हो। तो जानू क्या किए, जानू ने एक अपना दिमाग लगाया चलो हम तो चिकन खाएंगे, तो मेरे लिए मेरे पति देव जी मेरे लिए बना रहे हैं बढ़िया बेसन की मस्त चटपटी पकौड़ियाँ क्यों जानू। तो देख लीजिए फ्रेंड्स आपको दिखा दूं मेरे पति देव जी कितना मेरा ख्याल रखते हैं, वाह वाह ऐसा पति सबको दे भगवान। देखिए प्रिया बोली मैं वो चिकन खाऊंगी, मैं चिकन नहीं खाऊंगी, ठीक है तुम मेरे बना दो। फ्रेंड्स मैंने प्रिया के लिए आप देख सकते बेसन मैंने घोला है तुरंत और प्रिया के चार पांच पकौड़े बन जाएगा जो प्रिया चाय के साथ खाएगी। मैं खुश तो प्रिया खुश, मैं खुश मैं दुखी तो प्रिया दुखी। देखिए भाई हम दोनों का जिंदगी सेम है, तो दुख आया तो हम दोनों दुख में, सुख आया तो हम तीनों सुख में है, तो मतलब हम तीन लोग हैं इस घर में, तो जो आया तीनों को सहन करना पड़ेगा क्यों फ्रेंड्स है कि नहीं। तो ब्लॉग भी बने रही है, अब हमारी जब पकौड़ियाँ बन जाएगी तब मैं खा के टेस्ट करके बताऊंगी मेरे पति देव जी कैसा बना। फ्रेंड फाइनली जानू ने पकौड़ी इतनी टेस्टी बनाई है ना मैं आपको बता दी, ये देखिए हमारी पकौड़ी बन के है रेडी और मैं इसके साथ कैसे खाऊंगी, ये है रोटी
और ये है हमारा पकौड़ी। मैं पकौड़ी और रोटी खाऊंगी ताकि मेरा पेट भर जाए। और मैंने भी खा के टेस्ट भी किया, बहुत ही टेस्टी बनाया, बहुत ही मस्त चटपटा बनाया। आइए आप लोग भी बेसन की पकौड़ी, इसमें क्या क्या मिलाया, आलू मिलाया है और प्याज मिलाया, हरी मिर्च, धनिया सब मिला के था जानू। मेरे मुंह में तो बहुत पानी है क्योंकि मैंने खाया है। और जानू अभी जो चिकन था ना उसको दो बार फ्राई करना पड़ता था, अभी जानू सेकंड फ्राई उनका चल रहा है, जानू फ्राई कर रहे हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स जब जानू फाइनली उसको फ्राई व्राई कर लेंगे, जब तक मैं खा रही थी फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ फाइनली किचन में और जो हमारा चिकन फ्राई था तो आपको मैं दिखा देती हूँ। अब जो बन के रेडी हो चुका है फुल्ली फाइनली, मतलब जो भी बोलते हैं, ये देखिए देखिए कितना सारा चिकन था इतना सारा चिकन था बन के, देखिए कितना सारा, पता है क्या इसमें बेसन भी लगा सब कुछ, लगने के बाद ये सुकड़ नहीं जाता फ्रेंड्स, वैसा हो गया। तो बन के एकदम रेडी हो चुका है, मेरा तो मन करा मैं खा लूँ लेकिन दूसरे का है खा नहीं सकती ना फ्रेंड, खा लेंगे कम हो, क्या पता पीस गिना हुआ हो, जानू है फिर गिने पीस, कहेंगे लग रहा खाओ कूकी बैठी हुई है। तो किसके किसके मुँह में पानी आ रहा फटाफट कमेंट करके बताइए। मेरे मुँह में तो बहुत पानी आ रहा, मन करा खा लूँ लेकिन नहीं खाऊंगी ना। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बना, और जानू भी इसे फर्स्ट टाइम बनाया है, जानू ने कहीं से सीखा नहीं ना ही कहीं पे देखा, अपनी मर्जी से जानू ने बनाया है। तो देख लीजिए आप लोग भी बना के जरूर ट्राई कीजिए। और फ्रेंड पता है क्या इसमें एक चीज क्या सबसे सही लगा, कि अगर बेसन बाद में हम जो घोला हुआ बेसन होता है उसको हम बाद में अगर मिलाते हैं, मतलब चिकन उठा के बेसन घोल कढ़ाई में डालते हैं तो वो निकल निकल के गिरता है, और लेकिन जानू इस चिकन में पहले ही बेसन घोल दिए थे ना तो चिकन जो थोड़ा थोड़ा बुलबुले से निकल जाते तो वो चीज़ नहीं निकला था। आप लोग भी बना के जरूर ट्राई करिएगा ऐसा जैसा जानू ने बनाया है। तो चलते हैं इसको हम ढक देते हैं अभी, क्योंकि अभी जानू बाहर गए हैं, अभी आएंगे ले जाने के लिए। और मेरी पकौड़ी जो जानू ने बना के दी मैंने वही खाई है, तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे अभी बनानी है अपने घर के लिए खाना कुछ रोटी पानी। तो बना ना लो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। दिल छू रहा है खींचे मुझे तेरी ओ, ए मेरा बच्चा है बच्चा कैसे देख रहा है। तो फ्रेंड्स सही बता दूं अभी हो चुका फ्रेंड नाइट का टाइम, ठीक है। और आज का ना चिकन तो प्रिया खाई नहीं, प्रिया को मैं दो दे रहा था पीस जानो तुम खा लो, लेकिन कह रही मुझे नहीं खाना है, नहीं खा भिखारी नहीं है कि दो पीस खा के मैं सरेआम वीडियो में बोलूं, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ कि मैं दो पीस खाऊं, ठीक तुम थारी भर के खाओ और मैं दो पीस खाऊं। तो फ्रेंड देखिए पहली बात तो मैं प्रिया को दो पीस इसलिए बोला क्योंकि ये जब इसको देखो टेस्ट करवा दो तो प्रिया खाती बहुत है, मैंने भाई अपना दिमाग लगाया ना, अगर मैं प्रिया को बोलूंगा दो पीस तो प्रिया कहेगी मुझे खाना नहीं है, तो भाई मैं आराम से बैठ के आराम से खाऊंगा। अब फ्रेंड्स आप गिनो मैं कितने पीस मांग रही थी, जितना मेरे पास भाई आप लोग गिनते रहो। अब इतना मैं मोटी हो गई हूँ क्या? हाँ भाई तुम बहुत मोटी हो चुकी हो, मेरे पास दो तीन दिन उस ब्लॉग में लग रहा कि मैं मोटी हो गई हूँ, लग रहा पति के हाथ का खाना कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। अरे 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 बंदा मेरे पति कसम से इसका हाथ का चोट हिसाब किताब है, पति ऐसे ही खाना बना के दिया करो मेरे पति, भाई मेरा डोलो सोलो मोलो कोलो ऐसे खाना बना के दिया करो मेरे पति देव जी, ऐसे दिया करो खाना खाना बना के मेरे पति देव जी, रोज रोज खाना खिला करो मेरे को ऐसे ही बना बना के मेरे पति देव जी। चलो बहुत अच्छा प्यार कर रहे, ऐसे प्यार करना अच्छा लगता है। बता तुमने हाथ में धोया ना? जन मैंने धोया अभी इसका टट्टी, तुमने सब हाथ में धोया? कसम बता मेरा बाल मुंह पूरा नोच नाच के अलग कर दिया, और इसको देख लो क्या भगवान ने। अरे जाओ जानू बट। तो फ्रेंड बता दू भी मेरा तो आराम से भाई मैं पेट भर के चिकन खाया, इतना खाया कि मैं क्या बोलूं, मेरा पेट ना अभी तुमको जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, झाड़ू लगाती मैं, पोछा लगाती मैं, चप्पल मारती मैं, ये भी देखा झाड़ू लगाती मैं, पोछा लगाती मैं, झाड़ू लगाती मैं, कुछ ज्यादा ही बढ़ गया अलवा डोला। तो फ्रेंड्स मैं तो खाना आराम से खाई लिया, 46 की छाती फ्रेंड्स, फ्रेंड मैंने खाना तो खाई लिया। आप लोग बताना कि भाई देखो अभी आप लोग को फ्राई चिकन किसे पसंद है कमेंट्स करके बताना जरूर, और ऐसे चिकन मिले भाई अब मुझे बस फ्राई दे दो चिकन, एक नंबर कम से कम 50-60 किलो चिकन दे दो मैं खा लूंगा। मैंने तो पकौड़ी खाई थी, पकौड़ी बड़ी टेस्टी फ्रेंड्स मैंने प्रिया के लिए बनाया था, आप लोगों ने देखा ही होगा, प्रिया बोली मुझे मेरे कुछ बना दो, मैं कहा कोई बात नहीं यार आप बोलो और मैं ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। निकाल रहा
तो फ्रेंड्स पकौड़ी और रोटी खाई, खा के मजा गया और मैं आजकल बहुत मोटी हूँ। कमेंट चेक कर रहे थे, कुछ लोग कमेंट चेक कर रहे थे मेरे फ्रेंड्स कि प्रिया अभी तुम्हारा बेबी हुआ ना, अभी तुम्हारा फेस पे तुम्हारा फेस मतलब ब्लैक ब्लैक हो जाएगा और मतलब तुम बहुत मतलब वो हो जाओगे, लेकिन ये कि भगवान की कृपा से और आप लोगों की दुआ से प्रिया अभी स्वस्थ और सही है। 2 मंथ हो चुका है, प्रिया भी अभी तक स्वस्थ है, अब आगे का पता नहीं है आगे प्रिया के साथ क्या हो जाए। अब जब ट्रेन चलती पता था नहीं आगे ट्रेन क्या होगी उसकी उसके साथ है पटरी फ्रेंड ले देखिए आगे का ना किसी ने नहीं देखा, अभी मेरे साथ मैं बैठा मेरे साथ क्या हो जाए अभी मुझे खुद का नहीं पता है ठीक है, और आगे का भी आगे हमारे साथ में क्या लिखा है इसका हमें पता भी नहीं है। तो बस फ्रेंड्स आपको यही कहेंगे कि प्लीज यार अभी आप लोग हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो ठीक है, और बहुत ही कम हमारे पे मतलब इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत कम मतलब जो हमारा मतलब बहुत कम व्यूज आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं फिर भी हम भाई खुश हैं हैप्पी हैं, बस आप लोग प्यार दे देते हैं बस हमारे लिए यही मतलब आप लोग के प्यार ना हर दुख बयान नहीं कर सकते आप। हाँ हर दुख बयान कर सकते फैन देखिए, एक तो हमें इसका टेंशन नहीं बस इतना मुझे पता है कि फैन देखिए आप लोगों का प्यार दुआ कभी ना कभी काम आएगा ही आएगा, बस हमें मेहनत करते जाना है आगे बढ़ते जाना है, आज नहीं तो कल फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा। हाँ और फ्रेंड देखिए अगर हम पेड़ लगाते हैं ना कोई उससे भाई फल निकलता है आम निकलता है, तो भाई उसको बहुत मतलब सालों मेहनत करने पड़ते हैं तब जाकर के 2 मंथ आम खाने को मिलता है, 2-3 मंथ कम से कम पौधा भी लगाएंगे उसके लिए पता नहीं कितने दिन मेहनत करेंगे तब जाके उसमें से फल निकलेगा तब जाके हमें खाने को मिलेगा, तो कोई बात नहीं हम यही सोच लिए पौधा लगाए लो। देखो फ्रेंड्स कहीं चिल्ला चिल्ला, तो बस फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, और मैं पहले बता दूं आप लोगों को बस हम लोग करवा चौथ तो मन गया दिवाली, तो आप दिवाली का पता है दिवाली मनेगी भी सेलिब्रेट करेंगे, दिवाली मनेगी भी कि नहीं मनेगी इसका नहीं मनेगी इसका नहीं पता, बस फ्रेंड्स आपको यही कहेंगे कि आप लोग गॉड से प्रे ये करना कि हमारी दिवाली मने और आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग बना करके दिवाली वाला जरूर लेकर के आऊं, और क्योंकि हमारा बाबू का प्रीत के साथ हमारा फर्स्ट दिवाली होगा तो मैं कोशिश में यही करूंगा दिया जलाए हमारे बाबू और जदिल बाबू को बेटा बाबू बुला रहा है बेटा मैं पापा बन गया, मुझे खुद अपने पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है पापा मैं पापा नहीं। हाँ भाई पार्टी करने वाले लोगों को थोड़ा ना पापा बन दे दो किसी गुड्डा गुड्डा दे। बस फ्रेंड्स ब्लॉग कहीं करते हैं, जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने फ्रेंडों में वीडियो को जरूर शेयर करना, और प्लीज यार आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ, जो चैनल पे नए फॉलो जो चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करना, तो बाय बाय लव यू ऑल गुड नाइट।